हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक। जायका रश्मिका में आप सबका स्वागत है। तो मैंने पहले भी आपके साथ मूंग की दाल का चीला जो था वो शेयर किया था, जिसके के हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो अब मेरे को बेवा से बड़ा ही मज़ेदार आर्य जी का साबुत मूंग आटा आया है, जो कि फुल ऑफ फाइबर है और प्रोटीन है और बड़ा इजी हो गया है। और ये बहुत मूंग की दाल को वॉश करके अच्छे से बहुत साफ़ सफाई से बनाया गया है। तो इसकी वैसे तो हम कई चीज़ें बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ मूंग की दाल का चीला शेयर करने जा रही हूँ। और आपको भी अगर ये मंगवाना हो, आटा मंगवाना हो, तो आपको मैं इसका इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगी और बेवा का एड्रेस भी दे दूँगी। तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए अगर आपको ये आटा चाहिए। और इसके अलावा ये और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाते हैं, जो कि बहुत ही हेल्दी हैं। दूसरा आटा भी बनाते हैं, दलिया भी बनाते हैं, और भी चीज़ें हैं जो ग्लूटेन फ्री हैं वो भी बनाते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए अगर आपको नंबर चाहिए, इनका एड्रेस चाहिए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो मूंग की दाल का चीला बनाते हैं, लेट अस स्टार्ट। तो मूंग की दाल का चीला बनाने के लिए मैंने एक कप दाल ली है। ये देखिए दाल में ग्रीन कलर भी कैसे आ रहा है, क्योंकि ये छिलके समेत पीसी गई है। तो एक कप हम दाल लेंगे और इसको आप जितना हेल्दी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी गाजर डाल रही हूँ, एक चम्मच के करीब। थोड़ी सी मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ, थोड़े से 1 टेबलस्पून अनियन डाल रही हूँ, धनिया जो है वो श्रद्धा अनुसार है, और एक मैं हरी मिर्ची बारीक काट के डाल रही हूँ। तो आप और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं और कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसी में हम डालेंगे 1/2 चम्मच सॉल्ट का, थोड़ी सी लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, और इसको अब हम पानी से इसका बैटर बनाएंगे। देखिए जो हमारा बैटर है वो बनकर तैयार हो गया है। और इसको अब हम बैटर को 5 मिनट्स के लिए पड़ा रहने देंगे और इसको ढककर रख देंगे 5 मिनट्स के लिए। तो ये देखिए ये चीले का जो बैटर है वो बनकर तैयार हो गया है और हमें इतना पतला चाहिए। आप चाहें तो इसमें सिर्फ प्याज, टमाटर, धनिया और हरी मिर्ची डालकर भी बना सकते हैं, मतलब आप वेरी कर सकते हैं, कुछ ऐड करना है कुछ माइनस करना है ये आपके ऊपर है। अब हम इसका बनाते हैं चीला और छोटे छोटे चीले बनाएंगे बिल्कुल पैनकेक की तरह। गैस की फ्लेम को हम सिम रखेंगे और देखिए कितना इजी हो गया ना। आपने पाउडर लिया, उसको पानी डाल के घोला, उसमें वेजिटेबल्स डाली और आपका हेल्दी नाश्ता जो है वो रेडी हो गया। प्लीज़ मैंने ट्राई किया है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ आप भी एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिए, एक बार तो ज़रूर बना के देखिए। तो अब हम चीले को थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और पकने देंगे। तो अब हम चीले को पलट कर देते हैं और इस तरफ भी हम ब्रश से ऑयल लगा देते हैं। ये देखिए क्या बढ़िया बनकर तैयार हुए ना। और अगर आप चाहते हो कि और ऑयल ना आए तो आप इधर ऑयल मत लगाइए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए और एक चमक आ जाए तो हल्का सा ब्रश से इसको ऐसे
ऑयल लगा दीजिए। आप बटर में भी बना सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। देखिए देखिए कितने मजेदार ये हमारे मूंग की दाल के जो चीले हैं वो रेडी हो गए हैं। लीजिए हमारा चीला जो है वो बनकर तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को हम बंद करते हैं और इसको प्लेट में डालते हैं। तो मैं तो इसको सॉस के साथ खाऊंगी या हरी चटनी के साथ, तो चलो ट्राई करते हैं। तो चलिए चीला टेस्ट करते हैं। तो मैं हरी चटनी और टोमेटो सॉस के साथ इसको टेस्ट करेंगे। इतना यमी, इतना मजेदार बना है ना, मैं सच में कह रही हूँ। मैं उनको आर्य जी को प्रमोट नहीं कर रही, आप सच में ये आटा मंगवाइए मूंग की दाल का। इतना क्रिस्प और मजेदार चीला बना है ना, और कितना हेल्दी है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि आपको उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर चाहिए, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपने अब तक मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन दबाइए ताकि मेरी जो रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस है वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।